अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हो मेरे वीडियो के प्रिंदो, सब खैरियत से हो? सलाम का जवाब कमेंट में दिया करो। बेसिकली सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने अपने लेक्चर बनाना स्टॉप कर दिए थे। कुछ दोस्तों की पर्सनल इनबॉक्स रिक्वेस्ट पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ। दो रीज़न थे लेक्चर को स्टॉप करने के। एक रीज़न ये है कि आप लोग लेक्चर को कर लेते हो डाउनलोड, जब डाउनलोड करके प्ले करते हो तो यूट्यूबर को उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। यूट्यूबर को अपना वॉच टाइम मुकम्मल करना होता है ताकि वो अर्निंग कर सके। आप लोग लेक्चर को डाउनलोड करते हो, वीडियो को प्ले नहीं करते और लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, जिस वजह से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और जब हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो तो आप हमारी खाला के बेटे नहीं हो, हम आपके लिए इतनी स्ट्रगल करें। तो इसलिए हमने अपना लेक्चर स्टॉप कर दिया था। हम तमाम वीडियोज़ को अपलोड करने जा रहे थे लेकिन हमने स्टॉप कर दिया। और दूसरी जो मेन रीज़न है वो ये है कि मेरे पास माइक का प्रॉब्लम बन गया था, माइक मेरा ख़राब हो गया और इसलिए मैं आज एक हैंड फ्री पे बना रहा हूँ। तो आज का लेक्चर शायद इतना अच्छा ना बन पाए, तो माजरत इसके लिए। तो वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और मुकम्मल तौर पे वीडियो को प्ले किया करें यूट्यूब पर मुकम्मल तौर पे। उसके बाद डाउनलोड करें, जो भी करें वो आपका अपना मैटर है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करके वर्क करते हो तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए लेक्चर स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट इट। टुडे आवर मॉड्यूल इज 125 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं पहले ये डिफाइन करते हैं। पहले मैंने अपना एक लेक्चर बनाया बहुत ज़बरदस्त इंतहाई डिटेल से, लेकिन बाद में देखा तो माइक वर्क नहीं कर रहा था और सारा लेक्चर तबाह हो गया। ठीक है, चलते हैं। कहता है कि सी लैंग्वेज लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज इफ वी वांट टू कंपेयर मोर देन वन। जब एक से ज्यादा मोर देन वन कंडीशन को हमने कंपेयर करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। ये आपका क्विज है। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि प्रॉपर लॉजिकल ऑपरेटर यूज होंगे। क्या है ऑपरेटर इज यूज, ये किस पे डिपेंड करता है? रिक्वायरमेंट है, आपका क्विज बन सकता है। उसके बाद ये साइन दिए हुए हैं, ये एंड का ऑपरेटर है। ये हम इंग्लिश के वर्ड में पढ़ते आए हैं, कंप्यूटर में, हर जगह पे पढ़ते आए हैं, टेक्स्ट में। इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, ए एन डी, एंड का मतलब होता है। लेकिन जब हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं या कंप्यूटर में यूज करते हैं तो हमने इसको डबल दो बार लिखना है, फिर एंड एंड ऑपरेटर यूज होगा। आपका क्विज यहाँ पे क्या है कि वो आपको एक तरह की शक्ल दे देगा और आपको बोलेगा कि ये कौन सी टाइप है, बाइनरी है, यूनरी है, ट्रिनरी है। आपने यहाँ पे बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेटर है। कौन सा? बाइनरी। उसके बाद ये वाला साइन देता है आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर कौन सा? बाइनरी टाइप है। टाइप पूछेगा आपसे और आपका क्विज बना देगा, ये आपका है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद ये है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर मीन दिस इज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद पिछले मॉड्यूल में आपको याद हो जब हम सिंगल बार लिखते हैं तो मैथमेटिशियन में हम जब लिखते हैं यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है इक्वल। लेकिन जब कंप्यूटर में यूज करना है, प्रोग्रामिंग में दो बार लिखना है फिर होगा इक्वल। ठीक है, ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला जो साइन है इसका मतलब तो है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन जब हमने लिखना है इक्वल नॉट, इक्वल नॉट लिखना है तो इसके साथ हमने इक्वल का साइन लगाना है। ये है इक्वल नॉट, पिछले ऑपरेटर में पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे कहता है अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशन सेटिस्फाइड फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे क्या करता है, माइक का प्रॉब्लम है, कुछ भी एडजस्ट करना पड़ेगा आपको आज का लेक्चर, माजरत है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर में कहता है एंड और नॉट, यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन, आउटपुट इज वन ओनली व्हेन कंडीशन ऑन द बोथ साइड ऑफ ऑपरेटर बिकम ट्रू। कहता है जब दोनों साइड पे ऑपरेटर के वैल्यू आपकी जो है, दोनों साइड पे ऑपरेटर के वैल्यू आपकी वन होगी, ट्रू होगी, तो फिर ही ट्रू होगा। वन का मतलब ट्रू होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, कहता है जब दोनों तरफ पे ट्रू होगी तो फिर ही ट्रू होगा, वरना हर सूरत में आपने इसको फॉल्स कर देना। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें, ये देखें वन वन। ठीक है, वन और वन, ये दोनों साइड पे वन वन है, यही कंडीशन ये बता रहा है कि अगर दोनों साइड पे वन है तो आपका जवाब वन होगा, मतलब ट्रू होगा। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, ले जी मैंने मार्क कर दिया। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज भी बनता है। कहता है आउटपुट इज जीरो ओनली व्हेन, कहता है ओनली व्हेन कंडीशन ऑन बोथ साइड, कहता है जब दोनों साइड पे कंडीशन आपकी जीरो होगी, फॉल्स होगी, तो फिर ही जवाब आपका फॉल्स होगा। किस में? और ऑपरेटर में। एंड में क्या है, जब दोनों साइड पे वन होगा तो फिर ही जवाब आपका वन होगा, ट्रू होगा, दूसरी हर सूरत में आपने उल्ट कर देना। ठीक है, ये नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर बेसिकली एक बच्चा है, ये उल्ट काम करता है। अगर आप इसको वन दोगे तो बोलेगा मुझे टू दो, मतलब जीरो दो, जीरो दोगे तो बोलेगा उलट कर देता है। ठीक है, इसकी तरह एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे क्लियर की है आपके इस टेबल में।
एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर में उसने बताया कि जब आपकी दोनों तरफ कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ट्रू, बाकी हर साइड पे आंखें बंद करके बाकी टेबल याद नहीं करना, आपने सिर्फ एक ही बात याद करनी है, जब एंड है तो वन वन फिर वन है, मतलब ट्रू ट्रू तो ट्री है, ठीक है, ट्रू है सॉरी, और अगर आपका और ऑपरेटर है तो यहाँ पे आपने कहना है फाल्स फाल्स है तो फाल्स है, बाकी हर बात आंखें बंद करके आपने उलट कर देनी है, ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू होगा, बाकी हर जगह पे फाल्स आ जाएगा, देखिएगा ट्रू फाल्स 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 ट्रू फाल्स 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 फाल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर इसमें उसने बोला कि जब दोनों साइड पे फाल्स होगा फिर यहाँ पे एंड पे देखें फाल्स और ये फाल्स है तो आपका आंसर फाल्स आ गया, बाकी हर शर्त पे उसका देखें ये जो है ना ट्रू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नॉट है, ट्रू दिया है तो उसने फाल्स कर दिया, फाल्स दिया है तो ट्रू कर दिया, पाँच दो तो कहता है दस रुपये दो, दस देते हैं तो कहता है कि मुझे पाँच दो, ठीक है। अब बात है आगे आपका ये प्रोग्राम है, अब उसने प्रोग्राम के जरिए ये देखे, उसने बताया है कि प्रोग्राम इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है कि आपका प्रोग्राम नॉट और एंड ऑपरेटर को क्या कर रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले आपने ये मैंने लिंक दे दी है आपको, जब आपने प्रोग्रामिंग करनी होती है, पिछली वीडियो में मैं बता नहीं सका आपको, आपने प्रोग्रामिंग जब करनी होती है तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, वो सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये है फारडेव C++ कोड ब्लॉक और मिंग GW बेसिक, उसके बाद इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली मैंने इंस्टॉल की हुई है, मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका भी बता देता हूँ। आपने डेव C++ खोल लेना, पहले मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर आपने क्लिक करना है डेव C++ का, तो आपने यहाँ पे पहुँच जाना डायरेक्टली, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये आपका वेटिंग आ रहा है, वेटिंग आने के बाद आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद दूसरा लिंक आपका है ये डेव C++ का, उसके बाद आपके हैं कोड ब्लॉक का, कोड ब्लॉक को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ये देखिए आपका जो पहले वाला है उसके लिए बोल रहा है कि आप इसको स्टार्ट करें, आपने यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर लेना है, मैंने डाउनलोड नहीं करना, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपने कोड ब्लॉक को क्या करना है, आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डाउनलोड बाइनरी रिलीज यहाँ पे क्लिक करना है, आपने क्लिक करने के बाद आपका सबका मैक कोई नहीं यूज़ कर रहा होगा, लिनक्स भी सब विंडो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें नंबर 4 पे, 1 2 3 4 पे आ जाएं, यहाँ पे फॉस हब या आपने सोर्स फॉरवर्ड से कर लेना डाउनलोड, इस पर क्लिक करें तो इसी तरह आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको डाउनलोड करें। और इसी तरह जो आपका थर्ड ऑप्शन है फार्मिंग GW इस पर क्लिक करें, जब ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, इसको आपने लाजमी तौर पे, ये वही तरीका कार है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना तीनों एप्लीकेशन को। कोड ब्लॉक आप ना करें अगर आप कोड ब्लॉक नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आप डेव C++ यूज़ करना चाहते हैं तो, लेकिन मिंग GW बेसिक ये जो है आपका GNU कंपाइलर है, इसको आपने लाजमी तौर पे करना है, इसको इंस्टॉल करें और डेव C++ को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, और उसके बाद यहाँ पे आपका वही तरीकाकार आ गया, दोनों का सेम, ठीक है। इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर आगे का प्रोसीजर कैसे है ओपन करके बताता हूँ आपको। तो जब आपने इंस्टॉल कर लेना है कोड ब्लॉक, वीएल स्टूडियो, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, डेव C++ आप न्यू यूजर हैं तो इसी से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। डेव C++ को डबल क्लिक करें ओपन, यहाँ पे आपकी इस जगह पे आपकी एक फाइल आएगी, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट पे क्लिक करें, न्यू सोर्स फाइल, अगर आपको कुछ भी समझना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से देख लें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें न्यू प्रोजेक्ट ओपन करें, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन को ओपन करें, सी प्रोजेक्ट या C++ है हमारा तो हम C++ ओपन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे न्यू, लिखते हैं कुछ भी जिससे सेव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस विंडो में ये फॉर्मेट ऑलरेडी दिया होता है, ठीक है। मैं सारा फॉर्मेट डिलीट करके आपको शुरू से बताता हूँ, डिलीट क्या करना है, मैं यहाँ से आपकी वो चीज़ें डिलीट कर देता हूँ जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने प्रोग्राम लिखना होता है C++ में, आपने लिखना होता है हैश लिखना है, इंक्लूड लिखना है, उसके बाद आयो स्ट्रीम लिखना है, लेस देन डाल के आपके ये साइन, उसके बाद आयो स्ट्रीम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे स्पेस दें, स्पेस ना दें, ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आपने लिखना है इंट, मेरे एक हाथ में मेरा माइक ख़राब हो गया है तो मेरे एक हाथ में हैंड फ्री है, मैं प्रोग्राम बड़ा स्लोली लिखूंगा, इंट। उसके बाद आपने लिखना है मेन, ठीक है।
उसके बाद आपने यूज करना है, ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट यूज करना है। मैं पूरा प्रोग्राम लिख के आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को पॉज कर रहा हूँ मैं। बेसिकली मैंने आपका पूरा प्रोग्राम जो है ना वो लिख दिया है। आपने प्रोग्राम में क्या करना है, सबसे पहले आपने यूज़ करना था हैश इंक्लूड, उसके बाद आपने यूज़ करना है आईओ स्ट्रीम, ठीक है। आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं और नहीं देनी तो ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं प्रोग्राम को ज़रा एक मिनट इसको ज़रा अलग अलग से कर देता हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद जी तो सबसे पहले उसके बाद यहाँ पे आपने यूजिंग नेम स्पेस करना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देखिए, यहाँ पे अगर आपने कॉमा लगा दिया तो प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ स्पेसिफिक बात है आपने करते। उसके बाद आपने लिखना इंट मेन, इंट मेन लिख दिया मतलब अब पूरा प्रोग्राम इंट मेन लिख दिया तो आपका पूरा प्रोग्राम इंटीजर पर मुश्तमल होगा। उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस डाल लिए, उसके बाद इंट नम, अब ये बात गौर की है प्रोग्राम में, नम नंबर वन की वैल्यू क्या है 30, उसके बाद नंबर टू की वैल्यू क्या है 40। यहाँ पे देखें कहता है इफ नम वन, नंबर वन जो कि नंबर वन 30 है, कहता है अगर बराबर है या बड़ा है नंबर 40 से, ना तो ये बराबर है ना बड़ा है, तो ये बात तो गलत है स्टेटमेंट की। उसके बाद यहाँ पे उसने ऑपरेशन दिया और, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नम टू यानी कि नंबर टू 40, नंबर टू जो 40 है ये बराबर है या बड़ा है, तो ये 40 है ये भी 40 है बराबर है, ये बात तो हो गई ठीक आपकी स्टेटमेंट, लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है, ठीक है। अब गौर करिए जो आपने पीछे प्रोग्राम पढ़ा है, ये देखिएगा आपने प्रोग्राम में यहाँ पे क्या बात पढ़ी है, ये वाला कहता है आउटपुट इज जीरो ओनली व्हेन कंडीशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे गलत होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे गलत है प्रोग्राम में, कहाँ पे इस साइड पे, इसलिए ये प्रोग्राम गलत नहीं होगा, ये रन हो जाएगा क्योंकि एक साइड पे गलत है एक साइड पे तो ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सी आउट प्रिंट, ये सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट के लिए यूज होती है। यहाँ पे आपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने, आपके प्रोग्रामिंग नहीं है इस बुक में, ठीक है। उसके बाद कहता है नम वन, नंबर वन दूसरी इफ कंडीशन दे दी है उसने, ठीक है, कहता है नंबर वन बराबर है या बड़ा है, यानी कि 30, नंबर वन 30 बड़ा है 20 से, तो 30 ऑलरेडी बड़ा होता है, ठीक है। एंड नंबर टू यानी कि 40, नंबर टू की जगह पे क्या लिखा हुआ हमारे पास 40 बराबर है या बड़ा है, तो 40 बड़ा भी है और ये वाला जो है 30 भी इससे बड़ा है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम हमारा रन होगा, क्यों, यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर की शर्त क्या है, कहता है आउटपुट इज जीरो, सॉरी आउटपुट इज वन ओनली व्हेन कंडीशन ऑन बोथ साइड ट्रू, दोनों साइड पे कहता है ट्रू होगी तो कंडीशन हमारी रन करेगी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है यहाँ पे भी, और यहाँ पे 30 40 से बड़ा नहीं होता, इसकी गलत है एक और इसकी दोनों ठीक है, और इसकी एक गलत है एक ठीक है, अगर दोनों गलत होते तो फिर वो शर्त पूरी होती थी, इसलिए ये प्रोग्राम रन करेगा। उसके बाद ये प्रोग्राम ये सी आउट प्रिंट के लिए यूज होता है, ठीक है, इसको इससे अलग किए देते हैं, ये लें, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है यहाँ पे रिटर्न जीरो है, यहाँ पे आपने कर ली, आपने रटा लगा लेना फिलहाल, आपको आगे जाके CS201 में पूरी प्रोग्रामिंग सिखा दी जाएगी, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम रन करते हैं, इसमें रन कैसे करना होता है, यहाँ पे कंपाइल करेगा, यहाँ पे सिर्फ रन करेगा, यहाँ पे कंपाइल और रन दोनों करेगा F11 से, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करते हैं, आपका प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट क्या आई है यहाँ पे देखिएगा, आपकी आउटपुट यहाँ पे दी हुई है, ये देखें आउटपुट आपके प्रोग्राम की कहता है और इफ ब्लॉक गेट एक्सिक्यूटेड, नंबर वन नंबर टू और नंबर थ्री, तीनों लाइनें चेक कर लें, प्रोग्राम में आ जाएं, ये देखें नंबर वन नंबर टू नंबर, वही आउटपुट आ गई आपकी, सेम एज आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे प्रेस नहीं की किया और प्रोग्राम जो है आपका अच्छा। यहाँ पे बात काबिले गौर ये थी, पहले यहाँ पे आ जाएं, अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, कहता है और स्टेटमेंट गिव आउटपुट वन व्हेन वन ऑफ टू कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कहता है कौन सी और वाली, ये वाली, कहता है जब इसमें से एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है तो प्रोग्राम रन हो गया, मतलब ये वाला तो गलत था लेकिन ये वाला तो ठीक था, हमारी शर्त थी कि जब दोनों साइड पे गलत होगा रॉन्ग होगा फॉल्स होगा तो फिर फॉल्स आएगा, लेकिन यहाँ पे एक साइड पे था इसलिए ये ट्रू में आएगा, किसमें आएगा ट्रू में, क्योंकि एक साइड पे ट्रू है
ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे दूसरा प्रोग्राम है एंड ऑपरेटर वाला है। यहाँ पे कहता है, ये स्टेटमेंट पढ़ लें, वही जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहता है नंबर वन और नंबर टू दोनों बड़े थे बराबर, यानी बड़े थे 20 से, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 40 भी बड़ा 20 से और 30 भी बड़ा 20 से, ये बात ठीक थी, यानी दोनों तरफ ट्रू था। तो ये एंड वाला ऑपरेटर, ये देखें यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो मतलब ट्रू आएगा ना, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब रन होगी एग्जीक्यूट का मतलब। ये वाली आपकी, अगर आपको अभी भी प्रोग्राम की समझ नहीं आई, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, आपने व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है, वहाँ पे ग्रुप में आके मुझसे क्वेश्चन कर लेना है आपको अगर समझ ना आई हो तो, ठीक है। और जो बॉयज़ का ग्रुप है उसको ईमानदारी के साथ जो है ना बॉयज़ ज्वाइन करें, और जो गर्ल्स का उसको गर्ल्स ज्वाइन करें, ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर है, आपका ये प्रोग्राम था, ठीक है, इसको रन करवाया, फिर से रन करवा के दिखा देते हैं आपको कि आपका प्रोग्राम, ये कंडीशन थी, ये स्टेटमेंट थी। अच्छा, छोटा सा एरर बता दूँ, कुछ एरर आते हैं आपके प्रोग्राम में, मसलन ये देखिए, यहाँ पे सेमी कोलन आना, मैं यहाँ पे कोमा यूज़ करता हूँ तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, देखिए एरर आ गया, उसने बोल दिया कि ये एरर है, एरर को ख़त्म करो तो प्रोग्राम रन करो, रन हो गया प्रोग्राम। इस तरह छोटे छोटे एरर होते हैं, जैसे कि ये वाली लाइन है, यहाँ पे करके देख लें तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे सेमी कोलन करें तो प्रोग्राम रन करेगा। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्विज होते हैं और आपका नॉलेज भी है, ये प्रोग्राम रन कर गया है। उसके बाद लाइंस का होता है, अगर आप ये चीज़ सोचें, ये वाला स्पेस ख़त्म कर देता हूँ मैं तो प्रोग्राम क्या रन करेगा, ये स्पेसेस ख़त्म की तो डेफिनेटली प्रोग्राम रन करेगा, क्योंकि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्रोग्राम ठीक होना चाहिए, रिटर्न वैल्यू ज़ीरो है, ये सारी बातें आपको। अब यहाँ पे नीचे देखें आपको कितने एरर दिए, ज़ीरो एरर है और ज़ीरो वार्निंग है, मतलब कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, अस्सलामु अलैकुम, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम बोला करें, और लेक्चर को प्लीज़ डाउनलोड ना किया करें, पूरा मुकम्मल वाच करने के बाद आप इसके साथ कुछ भी करना चाहें ये आपकी मर्जी। Okay, Allah Hafiz, Allah Nigeban, Assalamu Alaikum. I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards in the scammers, getting the looks in the band, legacies.